नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पंचायत चुनाव की मतगणना से जुड़े अधिकारियों कर्मियों की कारगुजारियों से प्रधान पद पर की गई मतगणना में हारे हुए प्रत्याशी को प्रधान निर्वाचित करना और जीते हुए को हरा देने के मामले में उच्च न्यायालय के निर्देश पर न्यायसंगत निर्णय हो गया है, लेकिन हारी हुई प्रधान पद की प्रत्याशी कुसुम कुमारी को निर्वाचित घोषित किए जाने के बाद प्रधान कुसुम कुमारी ने 6 माह के कार्यकाल में विभिन्न योजनाओं पर 10 लाख की रकम खर्च कर डाली गई। अब यह सवाल उठता है कि जो प्रधान थी ही नहीं, उसने प्रधान पद पाने के बाद इतनी बड़ी रकम खर्च कर दी, इसका असली गुनहगार कौन है? इस मामले पर जिम्मेदारों को मानो सांप सूंघ गया हो। इन जिम्मेदारों ने अभी तक मतगणना की निष्पक्षता पारदर्शिता को तार तार कर अपराजित को जीता प्रधान दिखा दिया, मगर उनकी जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं की गई है। सवाल यह उठ रहा है, क्या आरओ एआरओ इसके जिम्मेदार नहीं हैं? अब आइए आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। दरअसल सीतापुर जनपद के ब्लॉक हरगांव की ग्राम पंचायत नकुरी कला में पिछले 6 माह से जो कुसुम कुमारी प्रधान पद पर आसीन थी, वह प्रधान थी ही नहीं, प्रधान पद की हारी हुई प्रत्याशी थी। नकुरी कला का जनादेश तो राधा रानी को मिला था, मगर मतगणना अधिकारियों कर्मियों की कारगुजारी के चलते मतों की गिनती में खेल किए जाने से राधा रानी को 13 मतों से हरा दिया गया और कुसुम कुमारी को प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया। पुनर्मतगणना को लेकर राधा रानी निर्वाचन अधिकारियों से गुहार लगाती रहीं, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। राधा रानी ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट के निर्देश पर एसडीएम लहरपुर को पुनर्मतगणना कराने के आदेश जारी हुए। 9 नवंबर को हुई पुनर्मतगणना में राधा रानी को न्याय मिल गया और वह 2 मतों से प्रधान निर्वाचित घोषित कर दी गईं। अब नकुरी कला की प्रधान कुसुम कुमारी नहीं बल्कि राधा रानी बन गई हैं। सूबे का यह नायाब मामला है जहां किसी ग्राम पंचायत में प्रधान 5 साल में नहीं बल्कि 6 माह में ही बदल गया हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिन प्रधान कुसुम कुमारी ने 10 लाख विभिन्न योजनाओं के खर्च कर डाले हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कौन जिम्मेदारों की कारगुजारियों की सजा देगा ताकि पंचायत चुनाव मतगणना पर से किसी का विश्वास न उठ सके? सरकार की कौन कौन सी बातों से हो रहा है फील गुड? अगर बदलाव चाहते हैं तो क्यों? योगी सरकार से कितना है संतुष्ट? कौन कौन सी बातें रही है चुप? आइडिया लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम पब्लिक प्रपंच। जिसमें हम ग्राउंड जीरो पर जाकर जानेंगे पब्लिक का मूड क्या है, वो देखना ना भूले आई इंडिया। चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों को दिखाने वाला आई इंडिया जल्द आ रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र का हाल बताने। हम बताएंगे आजादी से अब तक आपकी विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कितनी बार कौन रहा विधायक। हम समझाएंगे जाति समीकरण क्या है और इस बार क्या रहने वाले हैं मुद्दे। विधानसभा क्षेत्र के रिपोर्टर आपको बताएंगे क्षेत्र में क्या है समस्याएं, कितना विकास हुआ है और कितने की है जरूरत। तो देखना ना भूले आई इंडिया।